फिलहाल दोस्तों सामने पहुंच गए हैं ताजमहल के। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा भाई, अलग लेवल का ये व्यू दे रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी सुबह के करीब 6-7 बज रहे होंगे, पता नहीं, मैं सो के उठ चुका, अभी फ्रेश नहीं हुआ और लड्डू आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह फ्रोटी लेके आ गया, रात में बेचारा से नहीं मिल पाए थे। आजा गुर्दी, आजा 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 आजा। कैसे हो? बढ़िया है। बेचारा का तबीयत खराब हो गया था ना एक दो दिन पहले तबीयत खराब हो गया था बेचारा का, अच्छे से रात में मिल भी नहीं पाया। फ्रूटी है, फ्रूटी यहाँ से घींचो घींचो, इसको पकड़ो, घींचो जोर से, घींचो जोर से, घींचो घींचो घींचो, यस। चलो पी लो इसको, फटाफट पी लो। वेरी गुड वेरी गुड। अभी थोड़ा तबीयत ठीक है, पहले तबीयत इसको खराब हो गया तो बहुत ज़्यादा है ना। चलो पी लो फटाफट। तो दोस्तों अभी मैं नहा के पूरा फ्रेश हो गया हूँ मस्त, और इधर लड्डू ब्रेड खा रहा है। गुड मॉर्निंग। ब्रेड खा रहा है, बढ़िया है। जैसे कि मैं बोला था पिछला ब्लॉग में, मुझे भी खाना है पानी भात, तो मैंने खाया नहीं था क्योंकि इसमें ना दही है। हाँ है। इसमें दही डाल देना थोड़ा, हाँ, मजा आएगा लेकिन खाने में, सच बता रहे। दे रहे। और इधर दीदी बना के रखी है घुगनी, मटर का घुगनी बन रहा है। उसमें क्या बन रहा है? रागी बन रहा है। रागी ठीक होता है, रागी का आटा, रागी का आटा, ये इसका नाम है रागी, ठीक है। मड़ुआ का आटा, मड़ुआ भी बोलता है, हम लोग तो मड़ुआ का नाम से जानते हैं, बाकी लोग क्या क्या जानते हैं पता नहीं। दीदी तो रागी बोल रहा है, अब रागी पहली बार सुन रहे हैं। हम लोग मड़ुए आटा बोलते हैं, मड़ुए का आटा, केरला में रागी बोलता है इसको। अच्छा केरला में, बताओ यहाँ पे रहती है बंगाल में, केरला का लैंग्वेज बोल रही है। हे प्रभु, हे हरि राम, कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदम। ये लड्डू क्या खा लिया, ये क्या कर रहा है लड्डू, खाओ उसको। इसमें दही आ गया है फिलहाल, मत दही लगेगा, दही नहीं नहीं, हाँ एक प्लेट में थोड़ा सा दे दो, पानी दो, पानी नमक डाल दी इसमें। हा हा हा, पानी भात बढ़िया, दही के साथ में बहुत मजा आता है, आप लोग खाओ। अभी लड्डू, बोलो लड्डू, लड्डू मेरा हो गया ब्रेकफास्ट खत्म, फिनिश। और तुम कहाँ जा, लेके इसको कहीं नहीं जाएंगे, इसको हम बैठा देंगे यहाँ पे। आज एक आया है नया बुतर। गजब है, कटहल है, कटहल क्या है लड्डू, कटहल, हाँ खाया है इसको कभी तुम, खाया है, मस्त है लेकिन गजब का बड़ा है। इसको काटने के लिए लग रहा टांगी वगैरह का यूज करना पड़ेगा, ऐसा है कि खतरनाक है। मम्मी होती ना तो ऐसे खड़ा होके दो मिनट में उड़ा देते इसको। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं सीमा भाभी के पास, वो पंजाब गई थी मंजली, हाँ। और इधर बंटी भी है, वो पंजाब गई थी, आज ही वो रिटर्न आई है, साथ में दशहरी आम लेकर आई है, मस्त है भाई। और इधर भाभी, हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। मैं भी अच्छा हूँ। और आज ही ये पंजाब से आई है, वो भी दशहरी आम लेकर, इस सीजन में पहली बार मैं दशहरी आम खा रहा हूँ, बढ़िया है। इस सीजन का है या अगला सीजन का से पता नहीं, मैंने यही सीजन का। आपने खाया? मैं तो फैक्ट्री था क्या भाई? अलग अलग वैरायटी के मुझे भी जाना होगा लग रहा है। ये आम ना धनबाद में हम लोग कितना ढूंढे मिला नहीं, क्योंकि अभी 2-3 दिन में आने वाला है उधर भी। अच्छा। तो फिलहाल मैं इधर खा लिया हूँ, बाकी भैया सभी को देख के उन लोगों का मुंह ललच रहा होगा क्योंकि मैं खा लिया इधर, है ना, लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए एक या दो ठो, ठीक है। ले जाइए। तो दोस्तों अभी भाभी से मिले, और अभी मैं भाई का दुकान आया हूँ, यहाँ पे एक 7-Up लिया, इसमें जलजीरा डाला जिस तरह मैं घर में पीता हूँ अपना। फिलहाल तो भाई सामान दे रहा है कुछ, इधर आए हुए हैं फिलहाल। काकी मैं भालो अच्छे हो,
কেনু কি হয়ে গেছে হ্যাঁ আইদা ভাই সামান দে রা मैं दुकान से आया और थोड़ा देर सोचा लेट जाता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो इसलिए मैं सोचा लेट जाता हूँ और लड्डू आ गया फिर। नहीं लेटने देखो मेरे को है ना लड्डू, देखो बोले गुड मॉर्निंग, बोले गुड मॉर्निंग, बोले गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं फिर से एक बार नहा लिया, फ्रेश हो गया क्योंकि इतना गर्मी है कि यहाँ क्या बताएं। तो अभी मैं जा रहा हूँ ताजमहल, समझ रहे हो, ताजमहल जा रहे हैं। अब तो कंफ्यूजन होंगे कि कोलकाता में है ताजमहल कहाँ से जाएगा भाई, तो सच में मैं ताजमहल जा रहा हूँ। दोस्तों अभी दक्षिणेश्वर ब्रिज पे आए हैं, इसके नीचे आपको गंगा देखने को मिलेगा और सामने आप देखो दक्षिणेश्वर मंदिर आपको देखने को मिल रहा है सामने, और ये है गंगा ब्रिज है ना, दक्षिणेश्वर का ये ब्रिज है सामने। बस इसको क्रॉस करूँगा थोड़ा दूर, मतलब वही 10 किलोमीटर के रेंज में और है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ताजमहल। ताजमहल के पास आप जा रहे हैं कोलकाता में ताजमहल देखने को मिलेगा, फिलहाल वहीं पे मैं अभी जा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल चलते 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 स्कूटी को दौड़ाते दौड़ाते पहुँच गए हैं इको पार्क। लाइफ में फर्स्ट टाइम स्कूटी से मैं अकेले आया हूँ, समझ रहे हो, अकेले आए हैं भाई, देख लो कोई नहीं हमारे साथ, अकेले आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। एक बार और हम लोग सनातन भैया लोग आए थे, कार से आए थे, उस टाइम सभी कोई थे तो उतना अखड़ नहीं मार रहा था, बट मैं फर्स्ट टाइम स्कूटी से अकेले आया हूँ। अभी मैं आप लोगों को ताजमहल घुमाऊँगा। ताजमहल देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है भाई, पहले जब मैं आया था उस टाइम करीब 30 रुपया लगता था, अभी पता नहीं कितना लगता है। दे रहा कितना मस्त लुक है भाई, मस्त लग रहा है, लेकिन पिछले बार ये था कि नहीं पता, ने ध्यान नहीं दिए थे, और इस बार तो भाई मज़ा आ रहा। 30 रुपया टिकट का ही प्राइस है अभी, एंटर कर रहे अभी फ़िलहाल। इको पार्क के अंदर तो एंट्री तो मिल गया, बट पार्क के अंदर ही एंट्री मिला है, बट ताजमहल देखना इतना तो आम बात नहीं है ना भाई। आगरा का ताजमहल देख रहे हो आप कोलकाता में, समझ रहे हो, उसके लिए एक पर्सनली एक टिकट लेना पड़ रहा है। आप देखते हो वो टिकट कितने प्राइस का है, आई थिंक सो वो भी 30 का होगा, लेट्स सी यहाँ पे मिलेगा। चलो फिलहाल टिकट भी ले लिए और अभी ताजमहल के नगर में एंट्री कर चुके हैं भाई। दूर से थोड़ा सा झलक मैं दिखाता हूँ, उसके पास में जाके दिखाऊँगा, सामने से दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, चलो पास जाके देखते हैं। फिलहाल दोस्तों सामने पहुंच गए हैं ताजमहल के, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा भाई, अलग लेवल का ये व्यू दे रहा है। इसके अंदर बहुत सारा सीन है भाई, मैं दिखाऊंगा, अरिश निको पार्क में बहुत सारा। दोस्तों यही कुछ है, बाकी आपको इधर का तो दिख ही रहा होगा, ये सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। साथ में ये देखो, चलो एक बार इसके अंदर चलते हैं, क्योंकि इधर ना मैं जल्दी कोलकाता में फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ स्कूटी लेकर के, और रात का टाइम रहेगा तो रास्ता उतना अच्छे से देखा हुआ नहीं है, तो मुझे पहले निकलना पड़ेगा थोड़ा, नहीं तो मुझे ही तकलीफ़ हो सकता है रास्ते में, कहीं ट्रैफिक को लेकर के कहीं लॉन्ग रास्ते में घुस गया तो पुलिस को पकड़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इधर का झरना मस्त है, बाकी ऊपर चलते एक बार, यही है भाई कुछ, बाकी इधर बहुत कुछ है घूमने का। और ये इको पार्क बहुत बड़ा पार्क है, मैं ज़्यादा इधर तो टाइम नहीं दे पाऊँगा। आपको ऊपर में दिख रहा होगा एरोप्लेन, बादल से ढक गया, इधर गया बादल से ढक गया, देखो क्योंकि एयरपोर्ट यहीं बाजू में है ना, इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। इधर रात के टाइम में और मस्त लगता है, क्या बताएं, रात के टाइम में अलग लेवल का व्यू देता है, चारों साइड में लाइट जलता है ना तो और मस्त लगता है इधर। बाकी ये सब आपको जो देखने को मिल रहा है, इसके अंदर में AC लगा हुआ है, समझ रहे कितना इम्पोर्टेंट होगा इसके अंदर AC लगा हुआ। फिलहाल यहाँ से मैं निकलूँगा, ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर रात हो गया तो मेरा ज़्यादा तकलीफ़ होगा, इसलिए मैं यहाँ से फ़िलहाल अभी निकल रहा हूँ। वाह, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। चलो अभी मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ बाहर की, और जैसे जैसे रात हो रहा है वैसे वैसे लोग इधर आते जा रहे हैं, क्योंकि चारों साइड में मस्त इधर लाइटिंग रात के टाइम में और अच्छा देखने को मिलता है ना। अभी मैं फ़िलहाल चुपचाप निकलता हूँ भाई, ज़्यादा रात करना इधर मेरे लिए सही नहीं है। जैसा कि मैं बोला था इसके अंदर में AC लगा होता है, देखो AC का जो पंखा होता है ये बाहर लगा हुआ है, बहुत खास चीज़ है। इसके अंदर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आऊँगा तो अच्छे से मैं दिखाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल इधर सिंगल हूँ, ये दूसरे साइड का ये लुक है, चारों साइड से तो एक ही जैसा लगता है लगभग लगभग ये ताजमहल,
अभी तो मैं फिलहाल निकलूँगा भाई, लेट हो रहा है। एग्जिट द्वार, चलो भाई निकलता हूँ यहाँ से फिलहाल। स्कूटी पार्किंग में लगाए हैं। 6 नंबर गेट से मैं क्रॉस कर रहा था घर जाने के लिए। यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब देखने को मिला और साथ में यहाँ पे देखो एफिल टावर है। ये एफिल टावर को मैं मतलब सोच रहा था कि कहाँ पे है, बट 6 नंबर रास्ता में घुसा तो यहीं पे देखने को मिला। ये देखो, ये रास्ता शायद विश्व बंगला गेट भी लेके जाता है, अगर होगा तो मैं दिखाऊँगा, नहीं तो घर निकलूँगा डायरेक्ट। फिलहाल दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल घर पहुँच चुका हूँ। आज मुझे बहुत परेशानी हुई, अभी मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ। खाना खा करके मैं बताऊँगा, मुझे सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। अभी मैं ये खा रहा हूँ देसी चिकन, चिकन खा रहे हैं देसी चिकन। सूरज खाने के लिए बैठ गया है देसी चिकन। चावल दीदी बहुत ज़्यादा है, कम कर लो, कम कर दिए। और सभी कोई खा लिए, मैं थोड़ा लेट पहुँचा क्योंकि मेरे साथ हो गया थोड़ा गंडगोल। मैं अभी खाना खाने के बाद जाऊँगा नीचे वाला रूम, फिर मैं आपको बताऊँगा मेरे साथ क्या सीन हुआ और मैं आपको कुछ आइडिया भी देने वाला हूँ अभी फिलहाल। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और इधर दीदी भी खाने के लिए इधर बैठी है, ठीक है, गमला में, कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन तो बर्तन होता भाई, वो गमला हो या गमली है कोई बात नहीं, फिलहाल खा लेते। बढ़िया। तो डिनर भी अभी हो गया मेरा और सभी का हो गया क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और मैं पहुँचा बहुत मुश्किल से घर, क्योंकि मैं स्कूटी लेके गया था, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ठीक है, 100% लेके गया था। करीब एक बार चार्ज करने से 100 के आसपास में, 105 के आसपास में बैटरी बैकअप देता है, तो उतना तो पूरा बड़ा कोलकाता है भाई, पूरा एक लंबा टूर मैंने किया। वहाँ तक तो सही था, जाने टाइम मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ, बट आने टाइम मैं अपना फ़ोन को ऑन किया, मैप के थ्रू आ रहा था, लेकिन जो मैप में मैं जा रहा था ना, वो गलत रास्ता में लेके चला गया। हावड़ा ब्रिज पे 2 बार मेरे को बाइक में राउंड करवाया, आप 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 आप, ऐसे मेरे को करीब 12 से 15 किलोमीटर मतलब मेरा वेस्ट हुआ, ठीक है। वेस्ट होने के बाद फिर मैं, मेरा भाई यहाँ है सूरज, जो अभी सोने के लिए आ गया है, इससे मैं घर का लोकेशन मांगा, तो उसके थ्रू मैं थोड़ा दूर आ पाया, वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर एक वहाँ पे एक स्विगी वाला भैया मिले, उनसे मैं थोड़ा आगे का लोकेशन पूछा, भैया ये रास्ता किधर जा रहा है, तो वो मेरे को डायरेक्शन दिए। फिर मैं धीरे 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 करते करते वहाँ तक आया, फिर मैं अपना फिर वहाँ से मेरा देखा था, वहाँ से मैं अपना घर आ गया। फाइनली मैं घर आकर के डिनर कर लिया हूँ और आपका भाई घर पहुँच चुका है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बट मैप से आप लोग कभी भी धोखा मत खाइएगा, आप लोगों को माइंड में सेट होना चाहिए रास्ता, तभी आप लोग जाइएगा, नहीं तो मैप कहाँ ले जाएगा भाई, किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों ये वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सकता है उतना कमेंट में प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।